हेलो एवरीवन वेलकम टू दी माय चैनल आई एम रुद्र नीट वाली एक्सपर्ट कैसे आप लोग आई होप आप बहुत अच्छे होंगे आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी आपके एग्जाम में बचे हुए हैं पाँच महीने इन पाँच महीनों को फिर से बता रहा हूँ बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए बहुत प्लान वे में यूटिलाइज करिए चलिए हम आते हैं अपने कोर्स पे हम बात कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी की आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट को डिस्कस करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट एक ऐसा पार्ट है जिससे एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन क्या होता है इसमें भी बच्चा कन्फ्यूज होता है जो मसल्स वाले पार्ट होते हैं इसके जो क्वेश्चन होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करने का, का काम करते हैं तो अगर आपने इस लेक्चर को अटेंड कर लिया वन साड वीडियो देख हुए और साथ में एनसीआरटी को कवर कर लिया तो आपके मैं गारंटेड बता रहा हूं आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे ये मोर देन सफिसियंट होंगे आपके नीट के एग्जाम के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप ऑफ मूवमेंट में या लोकोमोशन में लोकोमोशन क्या होता है या फिर मूवमेंट क्या होता है यहां पे आप दो वर्ड सुने हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट तो लोकोमोशन आपको पता जो हमारी बॉडी बनी होती है ये इसका जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है बोन्स करती हैं लेकिन इस स्ट्रक्चर को जो फ्रेम प्रोवाइड करने का काम कर रहा है उसको सजाने का काम कर रहा है वो मसल्स करती है जो हमारी मसल्स होती हैं ये 40 परसेंट वेट प्रोवाइड करने का काम करती है हमारी बॉडी को अब जो बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है वो मसल्स की वजह से होता है मसल्स की मसल्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की इस कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है मसल्स क्या करती हैं

यहां पे कोई भी चीज अपना पोजीशन चेंज कर रही है वो क्या कहलाती है मूवमेंट कहलाती है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है यहां पे क्या हो रहा है बोन जो है वो एक एक फिक्स ले एक्सिस पे क्या कर रही है एक यहाँ पे पोजीशन चेंज कर रही है तो क्या कहलाता है मूवमेंट कहलाता है लेकिन लोकोमोशन लोको मोशन होता है अगर मैं यहाँ पे कोई भी परसन, कोई भी भी पर्सन लिविंग क्या कर रहा है अपना पोजीशन चेंज, 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 चेंज कर रहा है अपना पोजीशन कंटिन्यूस चेंज कर रहा है ये क्या कहलाता है ये लोकोमोशन कहलाता है तो लोकोमोशन मोशन है नूवमेंट दो वर्ड है इसमें कंफ्यूजन होता है कि लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है कोई भी चीज यहाँ पे क्या हो मूवमेंट हो यहाँ पे अपना पोजिशन चेंज का वो क्या कहलाता है मूवमेंट कहलाता है लेकिन अगर वहां पे पोजीशन चेंज हो तो क्या कहलाता है लोकोमोशन कहलाता है अब लोकोमोशन जो होता है ऑल टाइप ऑफ है लोकोमोशन इज मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन ये दो वर्ड याद रखिए कि पोजीशन चेंज, चेंज हो रही नहीं पर्सन की पोजीशन नहीं चेंज हो रही लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ मूवमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी पोजिशन चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पैर जो है मेरे लेग्स जो है उनमें क्या हो रहा है मूवमेंट हो रहा है तभी क्या हो रहा है कि मेरा

एक जगह रखा और शाम को कहीं पे और पहुंच गया रूम के किसी और पहुंच गया ऐसा नहीं होता क्यों क्योंकि क्यों? क्यों तो हम है। बात कर ले हायर एनिमल की उसके अंदर भी मूवमेंट होता है चाहे हम है। बात कर ले प्लांट की प्लांट भी क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं प्लांट के जो सेल होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है मूवमेंट होता है तो किसकी प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ दि मूवमेंट आर रिजल्ट इन दिस चेंज प्लेस और लोकेशन कुछ मूवमेंट ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है प्लेस और लोकेशन में भी चेंज हो जाता है जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एक तरह का मूवमेंट है लेकिन मेरे प्लेस में और पोजीशन में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है

ये मान ले रहे हैं कोई अमीबा है अमीबा क्या करती है इसका ये हेड है इसको ये अपना साइटोप्लाज्म पहले आगे बढ़ाती है यहां पे इसको इस तरीके से समझें पहले अमीबा का पोजीशन ये था पहले अमीबा का पोजीशन इस तरीके से था अब ये इसका साइटोप्लाज्म है अब ये क्या करती है अपने साइटोप्लाज्म को आगे बढ़ाती है जो नेक्स्ट इसका पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा वो इस तरीके से इसका साइटोप्लाज्म आगे बढ़ गया तो साइटोप्लाज्म आगे बढ़ेगा तो यहां पे इसका जो पोजीशन पहले यहां पे था अब वो पोजीशन कहां चला गया यहां पे चला गया तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं उनको नाम दिया जाता है था मूवमेंट जो मूवमेंट होता है वो किसके अंदर होता है वो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रोफेज के अंदर होता है जितने भी डब्ल्यू बी सी होते हैं उनके अंदर एमीबॉय मूवमेंट देखा जाता है एंड ल्यूकोसाइट ऑफ द ब्लड जो ल्यूकोसाइट होते हैं उनके अंदर भी इस तरह का मूवमेंट देखा जाता है इस तरह के मूवमेंट को क्या नाम दिया जाता है अमीबॉयड मूवमेंट नेक्स्ट मोमेंट आता हमारे पास अगर हम की बात करें तो सिलियरी मोमेंट क्या होता है हमारी जो इतने भी सीलिया होते हैं ये है, है. क्या लगे होते हैं छोटे छोटे माइक्रोविला इस तरह के सीलिया लगे होते हैं ये सीलिया क्या काम करते हैं एक और मोवमेंट में काम करते हैं जैसे क्या है आपने चप्पू देखा होगा चप्पू जो नाव को चलाने का काम करते हैं चप्पू कैसे चलते हैं एक ही मूवमेंट में दोनों चप्पू क्या करते हैं वो वो मूव करते हैं हैं चाहे आगे चलते हैं या तो पीछे चलते हैं तो उसी तरीके से क्या होते हैं है। ये है. अगर आगे यहाँ पे इसका मूवमेंट इस इस तरी तरीके तरीके इधर है और इसका इधर है तो ये क्या होगी इधर पीछे की तरफ जाएगी अगर ये क्या कर रहा है इधर मूव कर रहा है इधर मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा ये इधर जाने लगेगा तो सीलिया की वजह से जो मूवमेंट होता है उसको नाम दिया है सीलियरी मूवमेंट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्ट

फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी कि फलोपियन ट्यूब होता है इस फलोपियन ट्यूब के अंदर भी क्या होता है ये का स्ट्रक्चर है यूट्रस का स्ट्रक्चर है ए यूट्रस का स्ट्रक्चर है ये क्या है फलोपियन ट्यूब है अब फलोपियन ट्यूब में क्या हुआ है यहां पे इस फलोपियन ट्यूब में यहाँ से क्या आया ओबम आया अब ओबम को कहाँ पे लाना है यहाँ पे क्या हुआ है ओवरी से यहाँ पे ओवरी ओवरी से ओबम रिलीज हुआ अब ओबम को कहां पे पहुंचाना है इसे एम्पुला वाले पार्ट में पहुंचाना है इधर से क्या जा रहा है इधर से स्पम जा रहा है अभी इसम जा रहा है स्पंप के अंदर मोशन तो होता है लेकिन मोशन को और भी फैसिलेट करने के लिए क्या होता है यहाँ पे मूवमेंट सिलियरी मूवमेंट होते हैं अभी सीलियर का काम करते हैं जो स्पम्प इस है इसको इधर भेजते हैं और जो यहाँ पे क्या है ओबम है ओबम को और यहाँ पे लाते हैं जिससे क्या होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बना है ये बोर्ड बना है अब इसको कहां पे ले आना है इसको लाना है इस वाले पार्ट में इंडो मायोमेट्रियम के अंदर इसको इम्प्लांट करवाना है तो उसको लाने के लिए क्या होते हैं जो सीलिया होते हैं वो मूवमेंट करने का, का काम करते हैं तो इस तरह का जो मूवमेंट पाया जाता है कहां कहां पाया जाता है एक तो ट्रैकिया के अंदर पाया जाता है एक है फिलिपियन ट्यूब के अंदर पाया जाता है इस तरह के मूवमेंट को क्या नाम दिया जाता है सिलियरी मूवमेंट थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट आता है हमारे पास स्केल्टल मूवमेंट या फिर इसी को नाम देता है मस्कुलर मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट जो होता है होता ड्यू टू दी मसल्स मसल्स के कारण जो मूवमेंट होते हैं उसको नाम देता है मस्कुलर मूवमेंट अब ये जो मस्कुलर मूवमेंट होते हैं किसके अंदर होता है ये होते हैं मस्कुलर जो मसल्स होते हैं उनके एक है, प्रॉपर्टी के कारण जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जितने भी मसल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से इस तरह का मूवमेंट होता है उसको नाम देता है मस्कुलर मूवमेंट मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स जा टंग से इटी से, जितने भी हमारे लिम्स हैं, जा हैं, इस तरह के जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से हो रहे हैं वो मसल्स की वजह से हो रहे हैं इसमें मैक्सिमम क्या होते हैं वॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं अगर हम बात करें एक्स्ट्रा पॉइंट की तो स्टडी ऑफ मसल्स को हम नाम दिया जाता है मायोलॉजी जो मायो वर्ड यूज किया जाता है एमआईओ ए यूज किया जाता है मसल्स के लिए एक होता है मोयोमोए आप लोगों ने देखा होगा मोयोमोए ट्रेंड तो यहाँ पे क्या है मायोलॉजी ये चीज रखिएगा मायोलॉजी माओलॉजी को नाम दिया यहाँ सेक्रल मसल्स को यूज किया जाता है body, from, भी के मसल्स होते है, वो, के द्वारा डेवलप होते हैं आपको पता है हमारे पास तीन जर्मल लेयर पाए जाते हैं एक तो इक्टोडर्म इंडोडर्म एंड मेजोडर्म तो जितने भी मसल्स होते हैं वो मेजोडर्मल वर्जिन के होते हैं हम बात किए थे हार्ट के मसल्स की हार्ट के मसल्स क्या होते थे मेजोडर्मल हम बात किए थे यहां ब्रेन के दो ब्रेन भी क्या होता था मीजियोडर्म तो जितने भी मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं में लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी आता है आयरिस मसल ऑफ आई आयरिस आयरिस मसल्स मसल्स ऑफ आई आयरिस मसल साफ आई जो है ये होती है, इक्टोडर्मल तो डर्मल होती है दे है स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्सबिलिटी एक्साइटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टबिलिटी एंड एक्साइट एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी जो मसल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है एक्साइटबिलिटी उसके अंदर एक्साइटेशन हो सकता है जैसे कि हम बात करें हार्ट की मसल्स की उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो सकता है जैसे न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता था ऐसे ही क्या होते हैं मसल्स के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप होते हैं उसको नाम देता है एक्साइटबिलिटी जैसे हमारे हार्ट के अंदर एससी नोड और ए बी नोड के अंदर होता था नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसके अंदर क्या हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है एक्सटेंसिबिलिटी उसके अंदर क्या हो सकता है वो वो कर सकता है, वो हो सकता है है रिलैक्स हो एंड इलास्टिसिटी उसका भी साइज क्या हो सकता है बढ़ सकता है वो इलास्टिक होता है तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है मसल्स की प्रॉपर्टी होती है ही बात किए हैं कि मसल्स जो होती है ये फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट बॉडी वेट को क्या करती है कवर करने का, का काम करती है मसल्स मसल्स की तो हमारे पास तीन तरह के मसल्स होते हैं एक होती है वॉलेंट्री मसल्स सेकेंड होती है इनवॉलेंट्री या फिर स्मूथ मसल्स थर्ड होती है हमारी कार्डियक मसल्स ये डिफरेंट पोजिशन डिफरेंट बॉडी आर्गन में क्या होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ है मसल्स पाए जाते हैं सबसे पहला हमारे पास वॉलेंट्री मसल्स ये क्या है वॉलेंट्री मसल्स है ए, क्या है इन मसल्स थर्ड हमारे पास क्या है कार्डियक मसल्स जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं ये सर्कुलर इन शेप होते हैं इनके अंदर स्ट्रेंस पाया जाता है इनके अंदर स्ट्रेंस पाया जाता है जो हमारे पास इन वॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो अमीबॉइड होते हैं एंड जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं ये भी कुछ वॉलेंट्री मसल्स की तरह होते हैं सर्कुलर होते हैं लेकिन इनके अंदर क्या होता है ये ब्रांचेज पाए जाते हैं तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है आपके एनसीआरटी का फिगर दिया हुआ है आप इसको यहां पे याद रखें क्या है हमारे पास वॉलेंट्री मसल्स वॉलेंट्री मसल्स ये हमारे पास इन वॉलेंट्री थर्ड हमारे पास है, है कार्डियक मसल्स जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर पाए जाते हैं थर्ड हमारे पास क्या है कार्डियक मसल्स जो हमारे क्या वॉलेंट्री मसल्स हैं ये राउंड होते हैं इनके अंदर स्ट्रेंस पाया जाता है जो हमारे इन वॉलेंट्री मसल्स होते हो, हैं वो अमेवॉइड होते हैं और इनके अंदर स्टेंस नहीं पाया जाता है लेकिन जो हमारे कार्डियल उनके अंदर भी, पाया जाता और वो भी क्या होते हैं राउंड होते हैं लेकिन इनके पास एक और खास बात होती है ये ब्रांच स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं तो ये तीन तरह के मसल्स आपके एनसीआरटी में दिए हुए हैं सबसे पहले अगर हम बात करें वॉलेंट्री मसल्स की तो ये है वॉलेंट्री मसल्स का स्ट्रक्चर वॉलेंट्री मसल्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैक्सिम हमारे वॉलेंट्री आर्गन में, तो में पाए जाते हैं जैसे हम बात करें हमारे लिम्स की बिना आप है अपने इच्छा शक्त के अपने हाथ को नहीं हिला सकते हैं बिना आप अपने इच्छा शक्ति के अपने चाहते बिना चाह के क्या कर सकते हैं अपने पैर को नहीं हिला जितने भी हमारे वॉलेंट्री आर्गन होते हैं जो कि आपके इशारों पर मूवमेंट करते हैं उनमें एक क्या होते हैं मसल्स पाए जाते हैं इसको विल पावर मसल्स भी कहा जाता है इसको क्या कर सकते हैं एक विल पावर जैसे हमारा विल पावर क्या है एक कोई वेट को उठाना है तो हमारे विल पावर पे डिपेंड कर रहा है इसलिए इनको विल पावर मसल्स भी कहा जाता है अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा बोन होता है ये बोन है ये पार्ट हमारा क्या है बोन है ये बोन है अब बोन को मसल से जोड़ने का जो काम करता है उसको नाम दिया जाता है टेंडन जो बोन को मसल्स को जोड़ने का काम करता है उसको नाम दिया जाता है टेंडन टेंडन ये है टेंडन इस पार्ट को नाम दिया जाता है टेंडन एक चीज याद रखिएगा बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है बोन टू बोन लिगामेंट लिगामेंट और बोन को मसल से जोड़ने का जो काम करता है वो टेंडन करता है तो यहां से टेंडन से क्या जुड़ा हुआ है मसल्स जुड़ा हुआ है अब ये क्या मसल्स का स्ट्रक्चर होता है जो मसल्स की सबसे आउटर कवरिंग होती है इस कवरिंग को नाम दिया जाता है ईपी माइसियम आउटर कवरिंग क्या होती है ईपी माइसियम होती है इस कवरिंग को नाम दिया जाता है ईपी माइसियम सेकेंड जो पाया जाता है उसके अंदर क्या होते हैं बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स के साथ है, पाये है नर्व वेसल्स भी पाए जाते हैं नर्व पाए जाते हैं तो क्या हो गया सबसे ऊपर कवरिंग क्या हो गई हमारी एपिमाइसियम हो गई उसके अंदर हमारे मसल्स पाए जाते हैं अब मसल्स के अंदर क्या होते हैं बहुत सारे फाइबर प्रेजेंट होते हैं सबसे पहला जो होता है इसको नाम देता है फेसिकल

ये जो है मसल्स फाइबर मसल फाइबर सबसे पहले एक मसल्स फाइबर आए बहुत सारे मसल्स फाइबर आपस में मिलकर बनाए इंडोमाइसियम बहुत सारे इंडोमाइसियम मिलकर आपस में बनाए क्या यहां पे पूरे मसल्स को बनाए अब इंडोमाइसियम इसकी जो कवरिंग होती है, है इसको नाम इंडोमाइसियम की कवरिंग को क्या नाम दिया गया फेसिकल नाम दिया गया और जो मसल्स की कवरिंग होती है उसको नाम दिया गया इी माइसियम तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा बोन से जो जोड़ने का काम दिया गया टेंडन और टेंडन को जब हम टेंडन के नीचे आगे आते हैं तो जो, जो हमारा मसल्स होता है मसल्स की कवरिंग को कहा जाता है ईपीमाइसियम और ईपीमाइसियम के नीचे जब हम जाते हैं तो पाया जाता है हमारे इंडोमाइसियम जो इंडोमाइसियम होता है वो बना होता है मसल्स फाइबर का और मसल्स फाइबर की जो यहाँ पे इंडोमाइसियम की कवरिंग होती है उसको नाम दिया जाता है फेसिकल और जो मसल्स की कवरिंग होती है उसको नाम दिया जाता है ईपीमाइसियम ये क्या है हमारे मसल्स का स्ट्रक्चर है दे आर रिलेटेड टू द स्केल्टल मसल सो आर काल्ड है जी स्केल्टल मसल जो वॉल्ट्री मसल्स होते हैं इनको क्या नाम देता है स्केल्टल मसल नाम दिया जाता है ट्रांसफर्स लाइन जाती है। जो मसल्स का जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे जो मसल फाइबर होते हैं उनके अंदर इस तरीके से इस इस इसीलिए इनको नाम दिया जाता है स्ट्रिप्ड मसल नाम दिया जाता है दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व एक्शन चेंजे दी बॉडी पोस्चर क्या काम करते हैं मेनली ये लोकोमोशन में हेल्प लोको करते हैं एंड बॉडी पोस्चर को ये चेंज करने का काम करते हैं दे आर कॉन्ट्रेक्शन कंट्रोल बाय दी विल पावर ऑफ एनिमल ये किसके द्वारा इसका कंट्रोल होता है ये आदमी के विल पावर के द्वारा होता है इसीलिए इसको क्या नाम देता है वॉलेंट्री मसल्स क्या नाम देता है वॉलेंट्री मसल्स मसल्स फाइबर इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ कनेक्टिव वो किसके द्वारा कवर होती है इंडोमाइसियम के द्वारा कवर होती है बहुत सारे जो इन मसल्स फाइबर होते हैं उनकी कवरिंग को कहा जाता है फेसिकुलाई क्या नाम देता है फैसुलाई इस इस ये लेयर आप कनेक्टिव टिश्यू कार्ड है पेरी माइशियम किसके द्वारा

नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर अगर मसल्स फाइबर के स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमने एक मसल्स फाइबर को निकाल लिया सबसे पहले हमारा फेस्कुलाई था फेस्कुलाई के अंदर हमारे क्या थे हमारे मसल्स फाइबर थे अब इस मसल्स फाइबर को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा अब इसके अंदर मैंने बताया जो स्ट्रिप पाए जाते हैं ये डिफरेंट स्टेप पाए जाते हैं इन स्टेप को डिफरेंट नेम दिया जाता है ने स्टेप के पोजीशन में क्या होता है कि चेंज होता है अगर ये पास चले आए दोनों तो क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट कर गया अगर स्टेप दूर चले गए तो क्या हो गया रिलैक्स हो गया इन्हें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है हमारे मसल्स के अंदर मूवमेंट हो पाता है तो इनके अंदर जो मूवमेंट होता है यहां पे एक पाया जाता है सार्को मेयर जो आउटर कवरिंग पाई जाती है इसको नाम दिया था सार्को मेयर यहां पे एक लाइन पाई जाती है जो लाइन है इस लाइन को नाम दिया लाइन और इसके बीच में ये जो लाइन बची हुई है आपको जो ग्रीन कलर से दिख रही है एक ग्रीन कलर वाली लाइन एक ग्रीन लाइन इसको नाम दिया जाता है जेड लाइन जेड लाइन सबसे पहले जो ये रेड कलर की लाइन है इसको नाम देता है यम लाइन और जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है इसको नाम देता है यम लाइन ए यम लाइन के पोजीशन में क्या होता है चेंज होता है तभी मसल्स क्या करती हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं कैसे करती हैं आगे हमें है? डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी तक हमने मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है मसल्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें सबसे पहले हमने मूवमेंट पढ़ा है मूवमेंट में तीन तरह के मूवमेंट देखा सबसे पहला हमारा था मूवमेंट सेकंड मूवमेंट था थर्ड हमारा था स्केल्टल मूवमेंट या फिर मस्कुलर मूवमेंट फिर हमने देखा टाइप ऑफ मसल्स के बारे में टाइप ऑफ मसल में तीन तरह के टाइप मसल्स होती है सबसे पहला होता है वॉलेंट्री मसल सेकंड होता है इनवॉल्ट्री थर्ड होता है कार्डियक मसल्स अगर हम बात करें वॉलेंट्री मसल्स के उसके स्ट्रक्चर में जो सबसे इम्यूनिट वाला पार्ट जो फॉर्मेशन करने का काम करता है उसको नांद है मसल्स फाइबर मसल्स फाइबर ही मिलकर क्या बनाते हैं मसल्स का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू